हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीवो का जो T2X 5G फ़ोन है। जी हाँ, उसका वीडियो आप देखोगे, फ़ोन देखने में बहुत शानदार है। खास बात ये कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 जो 5G प्रोसेसर उसके साथ आता है, ठीक है। फ़ोन दिखने में बढ़िया है, प्रोसेसर के बारे में बता दिया है। गेम करते हैं शुरू, लेकिन जब तक गेम लोड हो रहा है फटाफट मैं आप लोग उसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो बता दूँ। तो आप देखोगे भैया कुछ 32 के आसपास आपको इसका जो है टेम्परेचर वो देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आगे से भी अगर आप देखोगे तो सेम आपको 32 जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बैटरी लेवल की बात कर जाए तो 89 आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो बैटरी लेवल बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, अब चलते हैं अपने बूट कैंप पे। तो दोस्तों गेम जो है यार वो अपना शुरू हो गया है। सबसे पहले आप लोगों को पता है भाई, यहाँ पर ग्राफिक्स का हिसाब किताब ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो यार, स्मूथ पे अल्ट्रा है, बैलेंस पे अल्ट्रा है, HD पे हाई है, और HDR अवेलेबल नहीं है। सो स्मूथ और अल्ट्रा यानी कि 40 FPS तो आपको मिलता है, और HD पे आपको 30 FPS मिलता है, और HDR अवेलेबल नहीं है। सो जिन लोगों का सवाल है कि भैया हाईएस्ट फ्रेम रेट कितना देगा मेरे को, तो ये बता दे, तो भैया वो आपको 40 FPS मिलेगा। अब आप में से मेरे बहुत सारे भाई बंधु होते हैं जो बोलते हैं भाई मुझे तो बूट कैंप में जाके बता, असली फ़ोन के बारे में वही मालूम पड़ता है, तो आओ बूट कैंप पे चलते हैं। सो दोस्तों हम लोग ये अपने बूट कैंप की तरफ कूद चुके हैं। आप लोगों को पता है भैया, यहाँ पर आके अपने को हम चेक करते हैं कि यार कोई फ्रेम ड्रॉप जब जंप मारते हैं तब का बता रहा हूँ, वरना तो थ्रू आउट द गेम प्ले हम ये सभी चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन जंप मारने पे हम ये देखते हैं कि भैया हमें कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है या लैग देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी हिसाब किताब आता है क्या। सो आप देखो यार, हम लोग एकदम ऐसे नीचे पहुँचने वाले हैं। ये अपना फुग्गा जो है वो खुल चुका है, और अगर आप देखोगे तो भैया चलो अच्छी बात है, अपने साथी वगैरह भी यहीं पर ही आए हैं, और हाँ यार कुछ लोग भी मेरे को दिख ही रहे हैं। सो देखते हैं भैया, इधर पे बग्गी भी खड़ी ली है भाई। सबसे पहले अपन अपना सामान वामान उठा लेते हैं ज़रा। ओहो, सो दोस्तों देखो यार, सामान अपने पास थोड़ा आगे है, तो आओ यार सबसे पहले भैया स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का एक ही सवाल होता है, भाई मेरे को ये तो बता दें कि इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो देखो, स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता चुका था कि इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी जो 2020 प्रोसेसर है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 6.58 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले आपको मिलता है, COG डिस्प्ले है जी हाँ इसका। तो यार अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो मैं आपको बस ये वाली बात बता देता हूँ। देखो कोई है तो सही, तो बस मैं आपको ये बताता हूँ कि लो पावर कंजम्पशन वगैरह होता है, और भी कुछ चीज़ें होती है, पहले इस आदमी को निपटा दीजिए, फिर आगे का अपने अपना हिसाब किताब समझेंगे। वैसे आपको 50+2 MP का कैमरा मिलता है, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो अपना नॉच है, इसमें मैं बोलूँगा यार नॉच की जगह पे पंच होल डिस्प्ले होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, ये इंप्रूवमेंट की बात है। और 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि ऑफकोर्स फास्ट चार्जिंग के साथ है। एंड्रॉयड वर्जन 13 है, फ्रंट टच OS 13 वर्जन के साथ। और यार अब जरा हम लोग थोड़ा स्पीकर वगैरह के बारे में बात करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो भाई, जो गोलियों की आवाज़ है वो बढ़िया आ रही है आपको। इवन आप देखो, आप भी अगर फायर करोगे या कोई और फायर करेगा, कदमों की आवाज़ वगैरह आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। इवन यूजुअली ये बोलते हैं स्पीकर थोड़े लाउड होते तो मज़ा आ जाता है, ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यह चीज़ नहीं बोलूँगा। या इसके जो स्पीकर है वो भी भाई बढ़िया है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी वाइल यू नो प्लेइंग कोई गेम हो गया, या आपका बिंज वॉचिंग कर रहे हो आप नेटफ्लिक्स पे भाई वो वाली चीज़ें। और यहाँ पर अपने कोई मारने वाला है, ये तो निपटा, हम लोगों को छुपना पड़ेगा भाई। ये पता नहीं यहाँ पर वीराने में क्या कर रहा था। हाँ तो दोस्तों यार, बहुत सारे लोग एक ही सवाल पूछते हैं FPS के बाद कि भाई ग्राफिक्स क्वालिटी कैसी है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा सेगमेंट के हिसाब से ना, मुझे तो ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही सही लगी और मैं पूरा पूरा सेटिस्फाई हूँ। आप कोई भी आइकन है आप वो देख लो, उनकी डिटेल देख लो, घास आप ले लो, पेड़ पौधे ले लो, आपको ना सब काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये मैं आपको स्मूथ पे बोल रहा हूँ, मतलब HDR पे तो और आपको बेटर ही देखने को मिलेगा। सो जिन लोगों का सवाल है यार कि वाइल्ड प्लेइंग यू नो आई मीन गेमिंग के दौरान या वाइल्ड प्लेइंग PUBG या BGMI, सो भैया जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो इस फ़ोन में कैसी रहेगी, यानी कि जो अपना T2X 5G है उसके अंदर, तो मैं आप लोग बोलूँगा यार आप डेफिनेटली सेटिस्फाई रहोगे। और मैं एक और बार बता दूँ कि ये मैं जो गेम प्ले कर रहा हूँ ये मैं 4GB 128 वाले पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बताना था लेकिन अभी भी ध्यान आया कि मैं नहीं बताया, तो उनका बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि 4GB 128 मतलब कौन से रैम वेरियंट पर खेल रहे हो। तो ये मैं आप लोगों को
बता चुका हूँ कि ये 4GB 120 GB खेल रहे हैं। इनकी जो प्राइस वगैरह है वो भी हम लोग पूरा एंड में डिटेल में बात करेंगे, मैं अपना पूरा वर्डिक्ट भी दूंगा कि आपको लेना है नहीं लेना है। बट फॉर नाउ अगर आप मुझसे बोलोगे भाई ग्राफिक्स क्वालिटी कैसी है, तो मैं बोलूँगा जी हाँ, मैं पूरा पूरा सेटिस्फाई हूँ ग्राफिक्स की क्वालिटी से। जी हाँ, हमने यहाँ पर एक हेडशॉट ले लिया है और बंदा भागना शुरू हो गया है, बट क्या हम इसे मार पाएंगे? जी हाँ, खेल लो यार। ओके जी, तो किल तो अपने को मिल गया है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और यहाँ पर सलमान खान स्टाइल में हमने एक और किल निकाला है। हाँ जी, तो यार देखो ये अपन लोग जो आगे का अभी अपना गेम प्ले कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो होता है भाई कि तुमने जायरोस्कोप के बारे में नहीं बताया। तो ये देखो भाई, यहाँ पर गए, जायरोस्कोप को मैंने कर दिया ऑलवेज ऑन, और आप ये देखो भैया जायरोस्कोप भी इसका बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आपको किसी टाइप का जो है कोई डिले देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाली बात है भाई कि जिन लोगों का सवाल है कि यार जायरोस्कोप भाई जो वीवो T2X 5G है उसमें जायरोस्कोप कैसा काम करता है, तो मैं बोलूँगा भैया अगर आप एक प्रो जायरोस्कोप प्लेयर हो तो आप अपने किल्स आराम से निकाल लोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है कि देखो जायरोस्कोप बढ़िया काम कर रहा है, ग्राफिक्स क्वालिटी हमें बढ़िया लगी है, और अपने ऊपर फिर से फायरिंग भी हो रही है। यहाँ से भागा जाए पहले, ओहो दोस्तों यहाँ पर हो गया है कांड। तो यार देखो दो लोग थे, हम लोगों को जल्दी से भाई एक काम करते हैं, एक बारी ये कांड हो गया, हार गए, लेकिन क्या ये फ़ोन हमारे गेमिंग रिव्यू में जीता है या नहीं देखते हैं। तो देखो लगभग आधे घंटे तक अपन ने यार जो है गेमिंग कुछ करी है, तो आप ये देखोगे भैया आधे घंटे के बाद जो टेम्परेचर है भी आपने देखा था कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपको एकदम 46 भी दिखा था, लेकिन हो सकता है वो एकदम से ऐसे कुछ बम्प मार गया, लेकिन अगर आप स्टेबल देखोगे ठीक है तो आपको कुछ 40 के आसपास ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखोगे जो कैमरा मॉड्यूल है इसके आसपास अगर हम लोग देखेंगे ठीक है, तो आपको 40 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आगे से भी हम बात कर लें तो आप देखो जी हाँ, आपको ये फ्रंट कैमरा के आगे यानी कि जो अपर बॉडी है फ़ोन की वो कहीं ना कहीं ज़्यादा गर्म हुई है, ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, ज़रा इसको करते हैं साइलेंट पे। तो अब बात करते हैं कि भैया फ़ोन है कैसा, ठीक है, और बैटरी ड्रेन की भी बात करें तो 89, तो यार फुल थी, देख लो अभी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन ने फुल रखी थी, और 89 से हमने खेलना शुरू किया था, अभी 85 हुआ है। सो ऑल इन ऑल यार अगर हम लोग अब बात करें कि भैया फ़ोन है कैसा, तो देखो आधा घंटा मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया हम लोगों ने कितनी देर की गेमिंग करी, तो आधा घंटा मतलब मैं ये लेता हूँ, आधा घंटा तो अपने को हो ही गया है, ठीक है। तो अगर और अंदर 10 मिनट हम करते तो मेरे को लगता है फ़ोन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना। तो अब आता है क्या फ़ोन गर्म होता है, तो जी हाँ देखिए फ़ोन गर्म होता है। क्या उसका गेमिंग के ऊपर कुछ असर होता है, तो मैं बोलूँगा नहीं यार, मुझे किसी भी टाइप का हीटिंग के कारण कोई फ्रेम ड्रॉप या कोई ऐसा लैग वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिला, ये आप लोगों ने साफ साफ देखा है, ठीक है ना। और ग्राफिक्स क्वालिटी में आप लोगों को बता चुका हूँ, जायरोस्कोप के बारे में आपको बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ, स्पीकर इवन इसके अच्छे हैं, ठीक है ना। बस ये है कि यार पंच होल होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है ये मतलब इंप्रूवमेंट वाली बात है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये कुछ खराबी है ऐसा, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया प्राइसिंग में, तो 4128 वाली का प्राइस है 12,999, 6GB 120 का प्राइस है 13,999, और जो 8GB 128 है उसका प्राइस है 15,999 यानी कि 15,999, ठीक है। सो यार मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली इसको अपनी पिक लिस्ट में अगर आप लेने के लिए कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे बस यही कि फ़ोन जो है क्या गर्म हुआ है देखा जाए तो आई थिंक वो 15 मिनट खेलता था वो ज़्यादा गर्म रहता, तो वो वाली एक चीज़ मुझे लगी, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी है। आपको पता है ये जो अपने 4D वाइब्रेशन वगैरह जिसमें मिलता है कि जब आप इसको सेट कर लोगे थोड़ी जब गोली वोली आपको लगेगी आप ऑटो मैनुअल ऑटो पे रखोगे तो फिर वो अपने आप वाइब्रेट होता है, और ये आपको कहीं ना कहीं रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे देता है, ये वाली चीज़ आप लोगों को पता है। यहाँ पर आपको बैटरी सेवर मोड, बूस्ट मोड, बैलेंस मोड, वॉइस चेंजर जो वीवो के या आईको के हर फोन में मिलते हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यार देखो मैंने आपको इस फोन के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन स्टिल कोई सवाल रह गया हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।